Hey guys, subscribe and press on the bell icon to never miss a video from Sing & Gaur. Hi friends, I'm yours Aarti Gaur and you're watching Sing & Gaur Desi Foodies. आज के एपिसोड में हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड चिकन ड्रमस्टिक. आई बेट ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी. So please try this at home and do share your finger licking experience with us in the comment section below. Also like and subscribe to Sing & Gaur Desi Foodies. Let's take a look at the ingredients. Vegetable oil, degi mirch powder, haldi powder, dhaniya powder, tandoori chicken masala, ararot powder, raspberry red food color, fresh curd, लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हरी मिर्चें, लेमन्स, एंड चिकन ड्रमस्टिक 6 पीसेस. सबसे पहले चिकन को धो के वाइप कर लें और उस पे इस तरह से नाइफ से कट लगा लें. अब हम चिकन मैरिनेट करेंगे. एक बाउल में डालें अरारोट पाउडर 4 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, देगी मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, तंदूरी चिकन मसाला 2.5 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट 3 टीस्पून, तीन बारीक कटी हरी मिर्चें, फ्रेश कर्ड 5 टीस्पून, रेस्बेरी रेड फूड कलर 1/4 टीस्पून, वेजिटेबल ऑयल 3 टीस्पून, और 2 नींबू का रस. अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें एंड मेक श्योर इसमें लम्प्स ना बने. हमारी मैरिनेशन तैयार है. अब इसमें चिकन डालें. और अच्छे से इसे कोट कर दें. मैरिनेटेड चिकन को 6-8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें. हमने चिकन फ्रिज से निकाल लिया है. अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. मेक श्योर कि सॉल्ट चिकन फ्राई करने के टाइम ही डालें, बिकॉज सॉल्ट पहले डालने से चिकन पानी छोड़ देता है और मैरिनेशन पतली हो जाती है.
चिकन फ्राइंग के लिए रेडी है। अब एक नॉनस्टिक कढ़ाई में डालें वेजिटेबल ऑयल, ऑयल गरम हो गया है, थोड़ी सी मैरिनेशन डाल के इसे चेक करें। अब इसमें चिकन डालें और गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम आंच पे फ्राई करें। बीच बीच में इसे पलटते रहें। हमारा फ्राइड चिकन रेडी है। इसे ऑयल से निकाल लें और गर्मा गर्म सर्व करें। सर्व इट विद ग्रीन सैलेड एंड योर फेवरेट डिप।